Why do bees die after stinging? ये बात 1957 की है, जब ब्राजील की एक बहुत ही अनोखी हाइब्रिड मधुमक्खी को ये सोचकर हाइब्रिड किया गया कि ये नॉर्मल मधुमक्खियों के मुकाबले ज्यादा शहद बनाएगी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का जो नतीजा निकला उसने विज्ञान के पूरे इतिहास को पलट कर रख दिया, क्योंकि ज्यादा शहद के लालच में बनाई गई मधुमक्खियां जरूरत से ज्यादा अग्रेसिव निकली, जो सामने जिसको देखते हैं उस पर हमला करने के लिए टूट पड़ती। 1980 के दौरान जब ये मधुमक्खियां यूनाइटेड स्टेट्स पहुंची तो उसके बाद इन्होंने पूरी दुनिया में फैलना शुरू कर दिया। अब यह आतंक का दूसरा नाम बन गया। तो कौन है मधुमक्खियां? जे जिसको डंक मारती है उसका क्या हाल होता है? आपको सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इन मधुमक्खियों का शिकार होने वाला इंसान मर भी सकता है। और वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि डंक मारने के बाद ये मधुमक्खी खुद भी मर जाती है। जब किसी को मधुमक्खी डंक मारती है तो उसे बहुत भयानक दर्द होता है। 2 मिनट के बाद जिस जगह पर मधुमक्खी ने काटा होता है वो जगह लाल हो जाती है, और काटने के 6 मिनट बाद उसके आसपास एक एरिया सफेद पड़ने लगता है। फिर करीब आधे घंटे बाद उस एरिया पर लाल छाले पड़ने लग जाते हैं। इस मधुमक्खी का जहर इतनी तेजी से फैलता है कि इंसान का दर्द खत्म नहीं होता, और लगभग एक दिन बाद वो जगह पूरी तरह लाल पड़ चुकी होती है, और दर्द के साथ साथ खुजली भी होने लगती है। मेलाटोनिन एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि मधुमक्खी के डंक से होने वाले दर्द को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन अगर आपको कोई एलर्जी नहीं है तो आपकी बॉडी इस डंक से लड़ लेगी, लेकिन अगर आपको एलर्जी है तो समझ लीजिए कि आप खतरे में। वैज्ञानिकों का कहना है कि मधुमक्खियां इंसान को तब तक नुकसान पहुंचाती हैं जब तक उनकी रडार में आ जाते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि इंसानों से उन्हें खतरा है। अपने बचाव में वो इतनी अग्रेसिव हो जाती हैं कि सामने वाले को हमला करने से पहले खुद ही हमला करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और जैसे ही मधुमक्खी किसी को डंक मारती है वो अलार्म फेरोमोन रिलीज करती है। लेकिन अगर मधुमक्खी किसी को गहरा घाव देती है तो ये ज्यादा अलार्म फेरोमोन को रिलीज करती है, और यही वजह है कि बाकी मधुमक्खियां भी उसे सूंघकर हमला करने के लिए पहुंच जाती हैं। इतनी सारी मधुमक्खियों के हमले से बचने के लिए इंसान के पास एक ही रास्ता होता है, और वो है तेजी से भाग निकले, वरना एक एक करके मधुमक्खियां आती रहेंगी और उसे अपना शिकार बनाती रहेंगी। और हाँ, मधुमक्खियों से खुद को बचाने के लिए पानी के अंदर जाने की कोशिश गलती से ना करें, क्योंकि जैसे ही आप पानी से बाहर निकलेंगे मधुमक्खियां वापस से हमला करना शुरू कर देंगी। और हाँ, हम आपको बता दें, मधुमक्खियों काटने के कई सारे लेवल होते हैं, क्योंकि जो पहला लेवल होता है उसे तो इंसान एक बार झेल लेगा, लेकिन जैसे ही लेवल बढ़ता है इंसान की हालत खराब होने लगती है, और जो चौथा लेवल होता है उसका दर्द बुलेट एंड जैसा होता है। जो बुलेट एंड क्या होता है ना, इसका दर्द शरीर में लगने वाले बुलेट जितना होता है, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर किसी ने बुलेट चला दी, जिससे आपको दर्द का अंदाजा हो ही जाएगा। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी पर भी इतना जानलेवा हमला करना मधुमक्खियों के लिए भी जानलेवा है, क्योंकि अपना डंक मारने के बाद मधुमक्खियां मर जाती हैं। असल में डंक मारते समय उनके शरीर से डंक जो होता है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से इनके शरीर के अहम हिस्से काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए केवल रानी मधुमक्खी किसी को अनलिमिटेड बार डंक मार सकती है। उनके डंक का स्ट्रक्चर काफी स्मूथ होता है, वरना बाकी मधुमक्खियों का घातक डंक उनके लिए जानलेवा होता है। दोस्तों, ये हम इंसानों की बात हो गई, लेकिन तब क्या हो जब मधुमक्खियां किसी दूसरे इंसेक्ट को डंक मारे, क्योंकि मधुमक्खियों का जन्म हमें काटने के लिए तो हुआ नहीं है। ऐसे में जब ये किसी दूसरे जानवर को डंक मारती है तो उन्हें कोई खतरा नहीं होता। और अगर आपको लगता है कि मधुमक्खियों के पास उनका डंक ही एकमात्र हथियार है तो आप गलत हैं। कुछ मधुमक्खियों को अपने शिकार को पकाना भी आता है, जहां मधुमक्खियां कई बार अपने शिकार के आसपास एक गोला बना देती हैं और फिर लगातार वाइब्रेट करने लग जाती हैं, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है। यहां वैज्ञानिकों का कहना है कि जब ये मधुमक्खियां हॉर्नेट के आसपास अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करती हैं तो गोले के अंदर की एयर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है, जिसके कारण इतनी भयानक गर्मी से हॉर्नेट सच में मर जाता है। और जब ये किसी को मारने का सबसे दर्दनाक तरीका है भाई, क्योंकि उसकी मौत भयानक तरीके से दर्द झेलने के बाद होती है। वैसे मधुमक्खियों के पास इस तरह का बिहेव करने का अपना एक कारण है। अब जैसे कि आप इस तस्वीर पर नजर डालिए, जहां पर आपको सैकड़ों की संख्या में बिना सर वाली मधुमक्खियां मरी हुई दिखाई दे रही हैं, और ये ऐसी नहीं मरी हैं बल्कि इन पर हॉर्नेट ने अटैक किया है। ऐसे में अगर ये हॉर्नेट को जलाकर मार देती हैं तो कुछ गलत नहीं करती, क्योंकि प्रकृति ने बनाई इन्हें एक दूसरे का सामना करने के लिए, और खुशकिस्मती से इनका हीट अटैक केवल हॉर्नेट पर ही काम करता है, और हमें इंसानों को सिर्फ मधुमक्खियों के जहर से फर्क पड़ता है। जहां इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कैसे मधुमक्खियों की काटी हुई जगह पर टेम्परेचर अपने आप बढ़ गया। हमारा इम्यून सिस्टम भले ही मधुमक्खी के जहर से लड़े, लेकिन इस बात को तो मानना पड़ेगा कि हमारा आधे से ज्यादा शरीर पानी से बना हुआ है, और मधुमक्खी का जहर पानी में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, जिस कारण जहर पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है। हालांकि आपकी बॉडी में मौजूद व्हाइट ब्लड सेल्स मधुमक्खी के जहर से लड़ने लगते हैं, पर जहर और व्हाइट ब्लड सेल्स की लड़ाई में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, खास करके उस जगह पर जहाँ पर वार हुआ होता है। असल में दोस्तों, जब मधुमक्खी डंक मार कर अपना जहर छोड़ती है तो आपकी बॉडी में मेलाटोनिन की कुछ मात्रा पहुंच जाती है, वहीं दूसरी तरफ व्हाइट ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करने और पेन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करने के लिए बिजी हो जाते हैं। मेलाटोनिन बॉडी में होने वाली एचिंग के लिए भी जिम्मेदार होता है, लेकिन आपकी बॉडी को यह पता होता है कि किस तरह रिएक्ट करना है, इसी वजह से वो हिस्टामिन और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड भेजती है ताकि जहर से होने वाले
इन्फेक्शन से बॉडी लड़ सके। पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि मधुमक्खियों के जहर से लड़ने के लिए हमारी बॉडी की किडनी भी इस्तेमाल होती है। भले मधुमक्खियों ने अपने, मैं कहूं कि आपके पैर पर ही सबसे छोटी उंगली पर क्यों ना काट लिया हो, पर फिर भी उसके जहर से लड़ने के लिए आपकी किडनी का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि जब जहर आपकी बॉडी के टिश्यूज को डैमेज करता है तो किडनी ही उसे फिर से सही करने का काम करती है। अब जहर के असर में किडनी का इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा होता है कि जब मधुमक्खी का जहर अलग तरह से रिएक्ट करता है तो इंसान की मौत भी हो जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की एक स्टडी के मुताबिक पिछले 13 सालों में ऑस्ट्रेलिया में मधुमक्खी काटने से 25 लोगों की मौत हुई है। उतने ही टाइम में सांप के काटने से 27 लोगों की मौत हुई। ऐसे में हम मधुमक्खी को कमजोर तो बिल्कुल नहीं समझ सकते। मधुमक्खियां हमारे लिए खतरनाक होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए तो ये हमारी मदद भी करती हैं। अब जैसे कि आप बी थेरेपी को ले लीजिए, जिसके बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि इसमें लोग मधुमक्खियों को अपने शरीर में काटने की इजाजत देते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि मधुमक्खियों को काटने से उनको मजा आएगा, बल्कि इसलिए क्योंकि मधुमक्खियों का जहर लाइम डिजीज के लक्षणों से लड़ने में मदद करता है। आजकल की एडवांस टेक्नोलॉजी में तो आप जिंदा मधुमक्खियों को 2 मिनट में घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, ताकि उनका रेगुलर डंक आपको इस बीमारी से निजात दिला सके। क्योंकि मधुमक्खियों के हर रोज थोड़ा थोड़ा काटने से आपको दर्द भले ही बहुत ज्यादा होता होगा, लेकिन इससे आपको ज्यादा कोई नुकसान नहीं होगा और आपकी बीमारी भी छूमंतर हो जाएगी। वैसे कुछ लोग तो मधुमक्खियों को ऑर्डर करके मंगवाते हैं, पर ये जनाब एक लेवल और आगे निकल गए। इन्होंने तो अपने शरीर में मधुमक्खियों का भार ढोना शुरू कर दिया। असल में दोस्तों इस तरह के बी मैन स्पेशल फेरोमोन्स का इस्तेमाल करते हैं जो इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में मदद करता है। हालांकि अपने शरीर में कवर करने से पहले ये लोग मधुमक्खियों को अच्छा खासा खाना खिला देते हैं, क्योंकि जब उनका पेट भरा होगा तो आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अगर इनमें से 30 से 35 मधुमक्खियों ने अपने अग्रेसिव नेचर के चलते वार करना शुरू कर दिया तो बी मैन की शामत आ जाएगी। हो सकता है कि ये मर भी जाए, क्योंकि उनका जहर बहुत ही जहरीला होता है और बहुत जल्दी भी फैलता है। वैसे मधुमक्खियों से खतरा उन लोगों को भी बना रहता है जो शहद निकालने काम करते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नेपाल में एक बहुत ही अनोखे प्रकार का शहद मिलता है जो नेपाल के अलावा और कहीं पर भी नहीं मिलता, लेकिन उसे निकालना मौत को सीधा सीधा न्योता देने के बराबर है। पर फिर भी शहद निकालने के लिए साल में 2 बार नेपाल के वो जांबाज और हिम्मती लोग अपनी जान का खतरा मोल लेकर ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते हैं, ताकि इन खतरनाक मधुमक्खियों के झुंड से शहद निकाल सके। हालांकि इस दौरान कई लोगों को मधुमक्खियां काट भी लेती हैं। ऊपर से नेपाल में पाई जाने वाली मधुमक्खियां तो दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खियां होती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद ये लोग शहद को लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि ये अनोखा शहद बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक है, जिसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी है। यानी कि शहद का इस्तेमाल करने पर इंसान किसी की चोट को दर्द से निजात दिला सकता है। अब तो आपको पता चल गया होगा कि मधुमक्खियां जितनी खतरनाक होती हैं उतनी ज्यादा उपयोगी भी होती हैं। अब आपको मधुमक्खियों से कितना डर लगता है कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।